काशीपुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। समर स्टडी हॉल काशीपुर के बच्चों को विद्यालय द्वारा ले जाया गया वाटर पार्क। समर स्टडी हॉल की अध्यक्षा मुक्ता सिंह, स्कूल सचिव अनुराग कुमार सिंह एवं स्कूल प्रधानाचार्य अनुज भाटिया के सहयोग से विद्यालय के कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को समर वेकेशन पार्टी के दौरान वाटर पार्क का भ्रमण कराया गया, जहां बच्चों ने वाटर पार्क सहित विभिन्न प्रकार के स्लाइड प्ले, प्लाजा आदि का लुत्फ उठाया। इस दौरान बच्चों ने खूब मिलकर मस्ती की। छात्र छात्राओं ने स्विमिंग पूल में खूब आनंद उठाया। इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ स्कूल के प्रधानाचार्य अनुज भाटिया, आयुषी मित्तल, दीपेंद्र विष्ट, मनु अग्रवाल, सुमित विष्ट आदि मौजूद रहे। अब नजर डालते हैं अन्य खबरों पर। उत्तराखंड ताइक्वांडो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सत्येंद्र चंद्र गुड़िया मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज की 3 छात्राओं ने जीता गोल्ड मेडल। 128 पाउच अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में मनाया गया आतंकवादी विरोधी दिवस। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने छात्रों को सड़क एवं यातायात से संबंधित नियमों की दी जानकारी। कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र स्थित जंगल में एक युवक का शव हुआ बरामद। मौवाखेड़ागंज स्थित शमशान घाट में स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री राजेश कुमार। केबीआर अस्पताल काशीपुर द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। विगत दिवस स्पोर्ट्स स्टेडियम काशीपुर में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न भार वर्ग में राज्य के लगभग 250 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें बीबीए एलएलबी की 49 किलो भार वर्ग में संध्या, 57 किलो भार वर्ग में कोहिनूर तथा बीसीए की 55 किलो भार वर्ग में रक्षिता पांडे ने स्वर्ण पदक जीता। संस्था के क्रीड़ा प्रभारी दीपक गुप्ता ने बताया कि खिलाड़ी इससे पूर्व में भी कुमाऊं विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व नॉर्थ जोन व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कर चुके हैं। सभी विजेता खिलाड़ी 27 से 30 जून तक कटक उड़ीसा में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक काशीपुर, क्षेत्राधिकारी काशीपुर व प्रभारी निरीक्षक आईटीआई के दिशा निर्देशन में अवैध नशे के विरुद्ध की गई कार्रवाई के तहत जसवंत सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी बड़ी बरखेड़ी थाना आईटीआई को 128 पाउच अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में आतंकवाद विरोधी दिवस व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर गौरव गर्ग के द्वारा बताया गया आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को क्यों मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन 21 मई 1991 को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को मारने के लिए लिट्ठे संगठन की एक महिला ने मानव बम का प्रयोग किया और इस बम के विस्फोट में राजीव गांधी सहित अन्य 25 लोग मारे गए। बीपी सिंह सरकार ने ऐसी आतंकी घटनाएं फिर से न हो, इस जागरूकता को फैलाने के लिए 21 मई को आतंक विरोधी दिवस घोषित कर दिया। काशीपुर खरमासा स्थित होली एंजल पब्लिक स्कूल में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छात्रों से मिलने आए। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विमल पांडे और उनके सहयोगी प्रदीप रोथार ने छात्रों को सड़क एवं यातायात से संबंधित नियमों की जानकारी दी। उन्होंने इस संबंध में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रत्येक सवाल को ध्यान पूर्वक सुना और सभी का संतोषप्रद जवाब दिया। उन्होंने बच्चों को वाहन चलाने की सही उम्र और कई नियम भी बताए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट की अनिवार्यता एवं दुर्घटना से बचने के उपाय भी बताए। अंत में के नियमों को सजगता एवं सतर्कता से पालन करने की सलाह दी। इंजीनियर्स आर मेकिंग रोड्स। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लोग पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र स्थित जंगल में एक युवक का शव बरामद हुआ। युवक पिछले 8-9 दिन से घर से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंगलवार की दोपहर जगतपुर के ग्राम प्रधान रिंकू ने कुंडेश्वरी चौकी पुलिस को सूचना दी। बताया कि जगतपुर के जंगल में एक युवक का शव विच्छेद हालत में पड़ा है। सूचना के बाद एसआई संतोष देवरानी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त की।
इस दौरान शव की शनाख्त जगतपुर निवासी 29 वर्षीय गब्बर सिंह उत्तर दलवीर सिंह के रूप में हुई। मृतक पिछले 8-9 दिन से लापता था। मृत्यु के असल कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही चल पाएगा। मौखेड़ागंज नगर पालिका क्षेत्र में आदर्श वार्ड एवं गंज वार्ड में शमशान घाट में घटिया सामग्री का निर्माण होने की शिकायत मिल रही थी। मौके पर स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री राजेश कुमार ने जेई सुभाष एवं ठेकेदार को चेतावनी दी कि शमशान घाट में घटिया सामग्री का निर्माण नहीं होना चाहिए। विकास के कार्य में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, गुणवत्ता युक्त कार्य होने चाहिए। इस मौके पर पूर्व मंत्री हाफिजुर रहमान, पूर्व मंडल अध्यक्ष कुमार पाल सहित अन्य मौजूद रहे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लो पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड करण महारा के निर्देशानुसार महानगर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी काशीपुर मुशर्रफ हुसैन एवं युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल रमनदीप काम्बोज के नेतृत्व में एनडी तिवारी एससी गुड़िया नवचेतना कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केबीआर अस्पताल काशीपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AICC सदस्य महासचिव उत्तराखंड अनुपम शर्मा रहे एवं उनका कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेसी वरिष्ठ नेत्री दीपिका गुड़िया आत्रे ने किया, जिसमें सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।